हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे मैंने विद इन वन वीक 200% गेन किया है NFTs के अंदर, एंड अभी मैं उससे ज़्यादा गेन कर सकता हूँ। ठीक है, अगर कुछ दिन और मैं होल्ड करूँगा तो मैंने कौन से NFT पे गेन किया है और कैसे आप लोग NFTs बाय एंड सेल कर सकते हो OpenSea के अंदर एंड अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो, तो इस वीडियो में ये होने वाली है ये वीडियो। ठीक, इस टॉपिक पे ये वीडियो होने वाली है। मैं आपको पता होगा कि मैंने 30 दिसंबर को, मतलब 5 दिन पहले आज से, एक वीडियो शेयर किया था हैश फ्लो का, 0.03 ये वाली NFT की रेट थी। ठीक, एंड अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं तो जो हैशबोर्ड पोस्टर वन थी, ठीक, उसकी रेट थी 0.05। ठीक, नाउ करंटली मैं होल्ड करता हूँ, अगर मैं अपने प्रोफाइल बताऊँ, प्रोफाइल ओपन करूँ, ठीक, तो मैंने ये वाली NFT खरीदी थी 0.034 में। ठीक, ये वाली खरीदी थी 0.174 एंड ये वाली 43 एंड ये वाली 04। ठीक है, ये मैंने विन की थी इसमें, ये इसके टर्म एंड कंडीशन फुलफिल करने में। ये लोग का टोकन आने वाला है, इस चक्कर में NFT का डिमांड बढ़ रहा है। मेरे को पता था मैंने ये NFT बाय की। ठीक, अगर आप मेरे एक्टिविटी में जाके देखोगे तो मैंने बाय किए ये वाले पोस्टर वन हो गए, ये हैश फ्लो वाले हो गए, ठीक है, एंड ये 174 ये, ठीक है, तो ये सब मैंने बाय की। एंड करंटली मैं यहाँ हैश फ्लो का रिफ्रेश कर लूँ, ठीक, रिफ्रेश हो रहा है। ठीक, तो करंटली ये अभी चल रहा है, जो पोस्टर जो मैंने 0.034 में खरीदा था, ठीक है, जो मैंने ये वाले हैश, ये 0.034 में खरीदा था, इसका अभी फ्लोर प्राइस चल रहा है 0.05 एंड ये अगर सेल हो जाता है तो इसका नियरेस्ट फ्लोर प्राइस होगा 0.06। ठीक, तो मतलब 2x ये वाले NFTs पे मुझे रिटर्न मिल गए। ठीक, अभी एंड जो पोस्टर ये वाले चल रहे हैं, ये भी मेरे पास 0.04 में मैंने परचेज किया था। अगर आप देखोगे ये वाला पोस्टर वन 0.04 में मैंने परचेज किया था एंड एक पोस्टर वन मैंने 0.043 में परचेज किया था, तो मुझे भी यहाँ 2x का रिटर्न दिख रहा है। ठीक है, 2x का रिटर्न इस पर भी मुझे मिल गया है। एंड अगर हम पोस्टर टू की बात करें, ठीक, मुझे यहाँ दिख नहीं रहे हैं, मुझे देखना होगा, एक सेकेंड मैं सर्च कर लेता हूँ इसमें इनके सर्च पर, ये रहा। ठीक है, तो टू आई थिंक आ जाना चाहिए, ये आ क्यों नहीं रहा, उसका मेरे को पूरा टाइप करना पड़ेगा, पोस्टर टू। बाय द वे ये रहा, ठीक है, 0.028 मैंने परचेस किया था इसको, 0.1740 12 डे को। तो आप लोग देख लो, मैंने 2x प्रॉफिट सारे NFT पे होल्ड बाय एंड होल्ड करके कर किए हैं विद इन 1 वीक और 2 वीक। ठीक, एंड इसके टोकन आने में जनवरी के एंड तक आ सकते हैं, तो अभी भी चांसेस इसका और ग्रोथ होने का। ठीक है, तो आपको इसी तरह से आइडेंटिफाई करना है, OpenSea पे आपको जाना है, ठीक, मार्केट प्लेस पे आपको आइडेंटिफाई करना है जो भी NFTs हैं, ठीक है, उसका प्राइस क्यों है और वो कौन से प्लेटफॉर्म के हैं एंड उनके किस उसके NFT का यूज़ केस क्या है। जो NFT का यूज़ केस है आप उसको चीप में मिल रहा है तो ग्रैब करने की कोशिश करो, अगर मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर चीप में मिल जाते हैं तो, क्योंकि उसका डिमांड बढ़ सकता है। ये NFT पता नहीं इसका यूज़ कैसे है, फिर भी इसका आप देख सकते हो कितना ज़्यादा है प्राइस। ठीक, तो वैसे ही आपको आइडेंटिफाई करना है जिसके NFT का यूज़ केस होगा, प्लेटफॉर्म का यूज़ केस होगा, उस NFT का प्राइस बढ़ेगा। ठीक, तो आपको ऐसे ऐसे NFT बाई करना है, जिससे अगर ये आप OpenSea अगर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें आप दो बेनिफिट हो जाएंगे आपके, कि आप इसमें अगर इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर, मैंने इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर ये है, ठीक है, आपने इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर यूज़ करोगे, इसको जितना यूज़ करोगे कलेक्टेबल एंड आप प्रॉफिट तो बुक करोगे ही, ठीक, NFTs के ऊपर, बट इन फ्यूचर अगर OpenSea का टोकन आता है तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे, तो ये बात ध्यान में रखिएगा आप। ठीक, तो अगर और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, ये मैं बोलना भूल जाता हूँ लेकिन आप लोग कर दिया करो। ठीक, तो बेसिकली यही था इस वीडियो में। ठीक, एंड आप अगर आपने वो वीडियो मेरा ये वाले वीडियो देख के NFT परचेज किया होगा
तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आप 2x पे हो गए अभी, एंड आप चाहो तो होल्ड कर सकते हो एंड सेल कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। थैंक्स फॉर, किसी भाई ने मुझे से पूछा था ठीक है कि कितने NFTs बाई करने चाहिए, ठीक है कितनी फीस रहेगी, तो मैंने इसको रिप्लाई किया था कि उस टाइम 0.05 पे चल रहे थे, मैंने इसको ये वाले रिकमेंड किए थे, तो अभी वो अच्छा खासा प्रॉफिट में होगा, होप्स वो होल्ड कर रहा हूँ। ठीक, तो थैंक यू गाइज़।